Hello everyone, welcome back to Spicy Reaction. How are you all? We hope you all are good. So buddies, the video we are going to react today, its title is Gujarat Science City, a hub for encouraging innovation. Know all about it here. तो चलें जी वीडियो देखते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी गुजरात. जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन को साकार करने के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात साइंस सिटी श्रेष्ठ और प्रमुख साइंस सेंटर ऑफ इंडिया के नए अवतार में आ रही है. केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी की सीधी देखरेख में विजिटर्स के लिए 3 नए शानदार आकर्षण तैयार किए गए हैं, जिनका लोकार्पण आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है. एक्वेटिक गैलरी, यहाँ पर 188 प्रजाति के 11,600 से भी ज्यादा जलीय जीवों की झलक देखी जा सकती है. विजिटर समुद्री थीम पर आधारित मुख्य खंड में प्रवेश करेंगे. गैलरी का सफर शुरू करते हुए विजिटर्स 10 विभिन्न समुद्री क्षेत्रों की यात्रा से गुजरेंगे, जैसे कि इंडियन जोन, एशियन जोन, अफ्रीकन जोन, अमेरिकन जोन, ओशंस ऑफ द वर्ल्ड और अन्य. मुख्य टैंक के अंदर बनी 28 मीटर की वर्ल्ड क्लास वॉकवे टैंक समुद्र तल पर शार्क एवं अवशेषों के बीच चलने का अद्भुत अनुभव प्रदान करेगी. ऐसे लग रहा होगा जैसे हम इसके यहाँ बना अनोखा 5D थिएटर आपको रोमांचक और मजेदार अनुभव प्रदान करेगा. रोबोटिक गैलरी, 11,000 स्क्वायर मीटर के विस्तार में निर्मित रोबोटिक गैलरी इंटरैक्टिव गैलरी के रूप में अत्याधुनिक रोबोटिक टेक्नोलॉजीज का प्रेजेंटेशन है. यहाँ रोबोट की विशाल प्रतिकृति आपको प्रवेश द्वार पर ही कौतूहल और उत्साह से भर देगी. गैलरी की हर एक मंजिल पर अलग अलग क्षेत्रों में रोबोट की उपयोगिता और लाभ का प्रेजेंटेशन है, जैसे कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर, स्पेस, डिफेंस और दैनिक जीवन में रोबोट की उपयोगिता. अनोखा VR जोन विजिटर्स को विशाल आभासी दुनिया के सफर में ले जाएगा. रोबोटिक गैलरी का सफर रोबोट कैफे की मुलाकात के बिना अधूरा है. यहाँ रोबोट शेफ खाना बनाएंगे और रोबोट वेटर्स आपकी जगह बनाकर खाना पेश करेंगे. नेचर पार्क, 20 एकड़ के विस्तार में फैले इस नेचर पार्क में मिस्ट बैम्बू टनल, ऑक्सीजन पार्क, बटरफ्लाई गार्डन, कलर गार्डन, चेस और योगा स्पेस, जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक और बच्चों के लिए दिलचस्प भूल भुलैया भी है. विजिटर्स के अनुभव को आसान बनाने के लिए गुजरात साइंस सिटी द्वारा एक खास मोबाइल ऐप बनाई गई है. इस ऐप के द्वारा आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं और यह ऐप डिजिटल गाइड की भूमिका में आपको परिसर के मैप के साथ दिशा निर्देश भी देगी. यह ऐप उत्सुक लोगों को हर अट्रैक्शन की विस्तृत जानकारी भी देगी. गुजरात साइंस सिटी में आइए और ज्ञान विश्व में डुबकी लगाइए. गुजरात साइंस सिटी, कनेक्टिंग कम्युनिटी विद साइंस. गुजरात साइंस सिटी यार, मुझे बहुत हो गया ये प्रोजेक्ट. बस बस यही था, इसी ने हलवा डाला यार. वीडियो छोटी थी पर काम बड़े बड़े थे. मतलब बिल कर रहा था अभी इसको देखें और देखें अंदर बिल्कुल. अच्छा, सबसे वैसे तो सारा ही अट्रैक्टिव था और बहुत ही बढ़िया था, लेकिन सबसे अट्रैक्टिव चीज कौन सी लगी है मुझे? मुझे तो वो ओशन वाले सीन्स बहुत अच्छे लग गए. आपको अच्छे लगे अमेरिका में पहुंच गए? हाँ, उनके अंदर से आप पानी के अंदर से गुजरे. जब वो अंदर से उन्होंने व्यू बनाया हुआ था ना, ये होता है कि एक वो भी चीज बड़ी अट्रैक्टिव है कि रोबोट ही खाना बनाएंगे, रोबोट ही आगे देंगे हर किसी को. अगर रोबोट का सिटी है और हर किसी के लिए फायदा और हर किसी के लिए फायदा है. अगर बड़ों को गुस्सा आ गया तो बच्चों के लिए देखिए भूल भुलैया कितनी अच्छी जगह बनाई है बच्चों. हाँ, वो बच्चों के लिए बहुत भुलैया. नहीं, जब हम वो ऐसे के सी के अंडर सी गुजर रहे हैं तो वो जो एक्वेरियम बनाए गए हैं तो वो ऐसे होता है कि आप साइड पर होते हैं, बिल्कुल साइड पर होते हैं, या लेफ्ट होगा या राइट होगा, लेकिन आपने अगर गौर किया हो तो वो कर्व की शक्ल में आपके ऊपर भी पानी है. आपके ऊपर भी ऐसे वो सारा ही ऐसे. हाँ, वो शीशा ग्लास इस तरह का लगाया गया है
कि उस ग्लास को मतलब वो ऐसे कर्व है और उसके अंदर से ऊपर से भी गुजर रहा है पानी, नीचे आप जा रहे हैं तो फील नहीं होगा, ऐसे ही होगा पानी के अंदर से गुजर रहे हैं ना। यार अमेजिंग, वो बड़ा अट्रैक्टिव था। अच्छा हर तरह की आपको उधर की हर मुल्क की फिश मिलेगी। हाँ। कि आपने हर जोन से गुजरना है, जोन रशिया जोन अफ्रीका, हाँ सभी जाति की जो फिशेज है, उसके अलावा नेचुरल पार्क, हर चीज काफी बढ़िया है। और गुजरात साइंस सिटी, साइंस सिटी हर शहर में होना चाहिए यार। ये ऐसी वीडियो देख रहे हैं दिल वाकई करते हैं। और इंडिया में होना चाहिए। आप देखे ना कि उन्होंने ऐप भी मुतारफ करवाई है, क्या पहले एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं, ये भी चीज अच्छी है वाकई। तो ये कौन कौन किस किस ने इसको विजिट कर रखा है कमेंट में बताइएगा गाइस। तो बाकी इधर से तो बहुत मिस करते हैं कि काश वो विश के हम इंडिया में रहते यार, और इन चीजों का जो है वो लाभ इनको देखते और विजिट कर पाते। बाकी चलें, जिन्होंने विजिट किया है, और बहुत सारे इंडियंस भाई भी हमें ऐसे देख रहे होंगे कि जिन्होंने अभी तक इंडिया में रहकर इनको विजिट नहीं किया, तो कमेंट में बहुत सारे भाई जान, बहुत सारे हो सकता नहीं, तकरीबन अगर हम पॉपुलेशन की बात करूं तो 98% इंडिया के, मेरे ख्याल में 99% लोगों ने विजिट नहीं किया होगा। हाँ। सिर्फ 1% आबादी जो है वो शायद उसने विजिट किया हो, तो कमेंट में पता चलेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी ये है कि कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।